अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। जैसा कि मैंने आपको अपनी पिछली वीडियो में दिखाया था कि हमारी बाउंड्री वॉल की लीन कंक्रीट की पोरिंग जो है इन प्रोग्रेस में है, और आज दूसरा दिन है हमारा। आज हमने दूसरी साइड के ऊपर हम पोरिंग कर रहे हैं कंक्रीट की। ये देख रहे हैं कि हमारी मिक्सर मशीन यहाँ लगी हुई है, सीमेंट हमारे पास मौजूद है यहाँ पे, और क्रश और मिक्स जो है वो हमारा मशीन में जो है वो डल रहा है। कंक्रीट मिक्स हो रहा है पानी के ड्रम यहाँ रखे हुए डालने के लिए। यहाँ पे हमारी जो है कंक्रीट पोरिंग जो है आज होगी। राइट साइड पे कंक्रीट पोरिंग जो है चल रही है हमारी। देख रहे हैं कि हमारा लेवलिंग का और ड्रेसिंग का काम कंप्लीट हुआ हुआ है, और हमने साइडों पे अपनी रिक्वायर्ड विड्थ के हिसाब से हमने पट्टे लगाए हुए हैं। इस एंड से हमने कंक्रीट शुरू की है और हम शाम तक जो है इसको पूरा अपना फ्रंट साइड पे ले जाके जो है इसको ख़त्म करेंगे। कल हम लोगों ने इस एंड से हमने अपनी कंक्रीट शुरू की थी, जो कि हमारी कल शाम तक जो है कंप्लीट हुई है सारी। कल हमने 245 क्यूबिक फीट हमने कंक्रीट की है। ये एक वाटर चैनल बना हुआ है यहाँ पे। ये गंदम की काश्त हुई थी यहाँ पे, जो कि आपने पिछली वीडियोस में आप देखेंगे कि यहाँ पे गंदम थी, अब इसकी कटाई हो चुकी है यहाँ पे, और अब इसके लिए जो थ्रेशर मशीन आएगी यहाँ पे जो गंदम को जो है सेपरेट करेगी और फिर ये मार्केट में जो है सेल कर देंगे। हमारी कल दो साइडें जो है कंप्लीट हुई हैं यहाँ पे 545 क्यूबिक फीट, और ये साइड है 512 क्यूबिक फीट। अब इंशाल्लाह आगे हमारा जो है इसके ऊपर लेआउट होगा लीन के ऊपर,
बाउंड्री वॉल का। अब फिर हमारी जो है स्टील बाइंडिंग और शटरिंग का काम फिर हमारा शुरू हो जाएगा। ये कंक्रीट आज सुबह पोर हुई है, देख रहे हैं आप। यहाँ पे हमारा बेंचमार्क लगा हुआ है, इस पर हमने जो है अपनी स्ट्रिंग बांधी हुई है। एक हमारा बेंचमार्क यहाँ लगा हुआ है। रास्ता थोड़ा ज़रा जो है वो अनइवन सा है, कच्चा रास्ता है, तो चलने में थोड़ा मुश्किल होती है, इसलिए देख के चलना पड़ता है कहीं आप गिर ना जाएं। तो बहुत एहतियात के साथ जब भी आप साइट के ऊपर काम कर रहे हो तो सेफ्टी मेजर्स आपको जो हैं वो लेने पड़ते हैं, आप पे बहुत एहतियात के साथ काम करना पड़ता है। तो फ्रेंड्स, हमारी दो साइड पे लीन कंक्रीट जो है वो कंप्लीट हो चुकी है, रेयर साइड पे और फ्रंट साइड पे। ये जो एरिया देख रहे हैं जहाँ पे ये ट्रॉली रखी हुई है, यहाँ पे हमारा मेन एंट्रेंस है, जो कि हम बाद में इसको कंस्ट्रक्ट करेंगे। पहले हम जो है बाउंड्री वॉल की फाउंडेशन और इसका काम हम ख़त्म करेंगे। ये जहाँ पर आपको सैंड नज़र आ रही है पड़ी हुई, यहाँ पे हमारा एक और बिल्डिंग का स्ट्रक्चर बनना है, जिसमें हमारा गार्ड रूम होगा और उसके साथ जो है एक दो रूम्स और होंगे। तो जब हमारी ये बाउंड्री वॉल की फाउंडेशन का काम और कंक्रीट का काम ख़त्म हो जाएगा, तो उसके बाद फिर हम जो है इसकी बैकफिलिंग करेंगे। बैकफिलिंग करने के बाद फिर हम इस एरिया को एक्सकेवेट करेंगे, ताकि हमारा यहाँ पे जो एक स्ट्रक्चर आना है बिल्डिंग का, उसको हम बना सकें। यहाँ पे जहाँ पे मशीन रखी हुई है वहाँ से लेके, और ये जहाँ पे ट्रॉली रखी हुई है और स्टील लगा हुआ है, यहाँ पे हमारा जो है इसका मेन एंट्रेंस है, जो कि 15 फीट वाइड है। और ये आगे जो है ये पूरा हमारा ओपन एरिया है। बेसिकली ये एक स्कूल की बिल्डिंग है, एक ऑर्गेनाइजेशन है, वो मेहराबपुर में जो है एक स्कूल बना रही है। वैसे तो उनके और भी स्कूल हैं, लेकिन इस वक्त जो है ये सबसे बड़ा स्कूल होगा, जो कि एक एकड़ के ऊपर है। थैंक यू फ्रेंड्स, आपका वीडियो देखने का। तो आप लोगों से गुजारिश है कि वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और कमेंट्स भी करें, अपनी सजेशन भी मुझे आप प्रोवाइड करें कमेंट्स के अंदर, कि और मज़ीद किस तरह अपनी वीडियोस को जो है वो बेहतर बनाया जा सकता है। इंशाल्लाह फिर आपसे मिलेंगे अगली वीडियो के अंदर, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।